आज हम एक 9th क्लास का चैप्टर रीड करने वाले हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने वाले हैं। एनिमेटेड वीडियो है और यहाँ पर मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको थोड़ी लेखक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो देखो, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनका ओरिजिनल नाम है धनपत राय, और इनका जन्म हुआ था 1880 में बनारस के एक लम्ही नामक गाँव है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था इनका। तो इन्हें प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। और इनकी क्या है कि गरीबी हालत थी, थोड़ी हालत कमजोर थी उस टाइम पर 1880 में, 1880 में। तो इनका क्या है कि पढ़ाई सिर्फ BA तक ही हो पाई थी, और जिनको इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी उन्हें उस टाइम पर BA बहुत बड़ी बात थी। तो जो सरकारी विभाग में कार्यरत थे उस टाइम पर अंग्रेजी जमाने में, पर जब असहयोग आंदोलन हुआ तब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने इस तरीके की कविताएं, उपन्यास और कई कई चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम से फिर यह लेखक के रूप में जाने जाने लगी, और यह उस टाइम से लेखक हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दो बैलों की कथा। इस चैप्टर के शुरुआत में लेखक ने थोड़ी सी तुलना की है, किसके बीच में? गधे और बैल के बीच में। इन्होंने बताया है कि जो बैल है वह गधा का छोटा भाई है। छोटा भाई क्यों है? क्योंकि जो गधा होता है वह काफ़ी ज़्यादा सहनशील होता है, उसके अंदर कभी द्वेष भावना नहीं आती, वह किसी को मारता नहीं है, वह उसको चाहे जो भी दे दो खाने के लिए वो खा लेता है। और अब जो छोटा भाई होता है अक्सर वह थोड़ी गुस्सैल किस्म का होता है हर जगह, जैसे हमने राम और लक्ष्मण में देखा कि लक्ष्मण जी थोड़ी से गुस्सैल टाइप के हैं, तो इसी तरह इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि मतलब जो बैल है वह गुस्सा हो जाता है, वह मार भी देता है कभी कभार, पर गधा कभी नहीं मारता। उन्होंने बताया है कि गधे के अंदर ऋषि मुनियों वाले जो कैरेक्टर्स हैं। कहानीकार ने गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा किया। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कि गधा एक ऋषि मुनि है या कुछ भी, पर जो प्रेमचंद हैं उन्होंने कहा है कि गधा है उसमें ऋषि मुनि वाली श्रेणी में उन्होंने रख दिया है गधे को। तो चलिए, अब चैप्टर जो हमारा है वो रियलिटी में स्टार्ट होने जा रहा है। यह कहानी दो ऐसी बैलों की है जो अपनी मानवीय समझ के कारण, अपनी समझदारी और संवेदनशीलता के कारण मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ते हैं। इन बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। ये बैल हैं झुरी काछी नामक एक किसान के। झुरी उनकी काफ़ी अच्छे से देखभाल करता है, उनको बहुत प्यार करता है, वह बैल को अपने बेटों की तरह प्यार करता है। और जो बैल हैं दोनों वह भी झुरी का बहुत ही ज़्यादा मन से काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो दोनों इतने अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, एक साथ रहते रहते उन दोनों बैलों को काफ़ी टाइम हो गया। हीरा और मोती को जब वो खेत में काम करते तो हीरा सोचता कि मैं ज़्यादा वजन उठाऊं, और मोती सोचता कि मैं ज़्यादा वजन उठाऊं। जब उनको कोल्हू में मतलब वो नहीं होता जो चक्का गले पे लगा देती और फिर उससे खेत जुतवाती, तो उस टाइम पर वो दोनों सोचते कि मैं ज़्यादा वजन उठाऊं। इस तरीके से उन दोनों में अपना प्रेम है। वह दोनों एक दूसरे को चाट कर एक दूसरे से प्रेम प्रकट करते हैं, और कभी कभार अपने सींग भी आपस में मिला लेते। सींग मिलाने का उद्देश्य लड़ना नहीं होता है, वह अपने विग्रह के भाव से नहीं, सिर्फ मनोभाव से, प्रेम भाव से सींग अपने मिला लेते हैं। और पता नहीं कभी क्या कहता है कि ऐसी कोई शक्ति है जो आपस में ये लोग बात कर लेते हैं, जो अपन को शायद मालूम नहीं, ऐसी कोई शक्ति है कभी कहता है कि जो आपस में बात कर लेते हैं। जब हीरा अपना मुंह नाद में डालता है जहाँ पर उसका भूसा रखा रहता है, तभी उसी समय पर मोती भी अपना मुंह नाद में डालता है जहाँ पर भूसा रखा रहता है। एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं हीरा और मोती, बहुत उनमें मित्रता है आपस में। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि एक बार झुरी सोचता है कि मैं अपने इन दोनों बैल को अपने साले गया को दे दूंगा। अब वो अपने साले को बुलाता है और गया को ये दोनों बैल दे देता है। अब जो बैल हैं हीरा और मोती, अब वो झुरी के साथ जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, झुरी ने उसको बेच दिया है। पर वो सोचता है कि ऐसा क्यों किया होगा, हम तो इतने प्यार से रहते हैं, हमने कभी किसी के काम के लिए मना नहीं किया, हमें जो भूखा शूखा मिलता है हम वो भी खा लेते हैं, बट फिर भी हमें मालिक ने बेच दिया, ऐसा क्यों किया मालिक ने हमारे साथ। अब वो उदास मन से जाने लगता है, बट गया जो झुरी का साला है उसको भी उन दोनों बैलों को ले जाने में नकमुच ने चबा देता है, इतना परेशान करता है कि अब जब इसलिए परेशान किया क्योंकि कभी हीरा जब दाएं तरफ जाता तो मोती बाएं तरफ जाता, मोती दाएं जाता तो हीरा बाएं जाता, इस तरीके से उन्हें ले जाने में गया को बहुत परेशानी हुई। अपनी जमीन,
अपने मालिक से बिछड़कर हीरा और मोती मन ही मन बहुत दुखी थी, बहुत ही उदास थी। उन्होंने उसी रात निश्चय कर लिया कि बस अब हम इस बगहा को तोड़कर, इस रस्सी को तोड़कर अपने मालिक के पास वापस चले जाएंगे। रात को उन्होंने यह एक प्लान तैयार कर लिया। अब इस प्लान के अनुसार उन्होंने रात को अपना पगहा तोड़ दिया, रस्सी तोड़ दी और वापस अपने मालिक के यहाँ पर पहुंच गए। अब गांव के बच्चे जो थे, गांव के जो लोग थे, वह उन दोनों बैलों को देखकर तालियां बजाने लगे। झुरी भी पास में खड़ा खड़ा अपने बैलों को देखता है, उन्हें बहुत पसंद आता है झुरी को। बट जो झुरी की पत्नी है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उसे कहती है कि नमक हराम, एक दिन काम तो किया नहीं और वापस आ गए यहाँ पर। वह उसे रूखा हुआ भूख सूखा सा भूसा डाल देती है। बट वो दोनों बैल बड़े ही प्यार से उस भूसे को खा लेते हैं। और अब जब झुरी कहता है अपने मजदूर से कि ऐसे खली वगैरह डाल दो, अच्छा सा खाना, मतलब हरी पत्तियां डाल दो खाने के लिए, बट मालकिन के इस रवैये को देखकर मजदूर की हिम्मत नहीं पड़ती। अगले दिन झुरी का साला फिर से आ जाता है। अब वह इस बार गाली लाता है और साथ में अब ले जाता है। इस बार भी उसको बहुत परेशानी होती है उन दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने में। अब जब वह वहां पर पहुंच जाता है तब क्या है कि गया है वो, गया उनको सूखा हुआ भूसा डाल देता है ऐसे ही। अब इतना बड़ा अपमान बैलों के सामने, हीरा और मोती जैसे बैलों के सामने सूखा हुआ भूसा डाल दिया। हाउ इट इज पॉसिबल, इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ था हीरा और मोती का बेचारे। अब जब उनको सूखा वो भूसा डाल देता है वो खाने लगते हैं और ऐसे ही उनका मन उदास उदास रहता है। अब जब अगले दिन उनको खेत के अंदर हल जोतने के लिए ले जाया जाता है, अब जब वो उनको खेत के, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते वो दोनों, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते कि अपना एक पैर आगे बढ़ा दें, नहीं। फिर उनको खूब डंडी बरसाता, खूब नाक पे लठ मारता और पीठ पे मारता। अब क्या है कि मोती को गुस्सा आ जाता, इतनी ताकत से भागता है कि बैल के जो सिर पे जो रखा जाता है वो डंडा और रस्सी बैलगाड़ी सब टूट जाता। अब गया दो आदमियों के साथ आता और उन बैलों को पकड़कर, मतलब हीरा और मोती को पकड़कर ले जाता। गया उन्हें रोज सूखा हुआ भूसा डाल देता। और अब क्या है कि गया की इस व्यवहार से उन दोनों के मन में विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी। उनका मन करता कि अब भाग जाए यहाँ से, बट परिवार की एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची, भाई एक रोटी उनको चुपके से रात को खिला जाती। उसकी इस प्रेम भरे व्यवहार से हीरा और मोती का पेट भर जाता और फिर वह वहाँ पर रुके रहते। अब क्या है कि उस छोटी सी बच्ची रहती है, वह उन दोनों बैलों की रस्सी एक दिन रात को खोल देती है। अब वह दोनों बैल भाग जाते हैं। अब गया को जैसी खबर लगती कि बैल भाग गई, वह तुरंत ही आदमियों के साथ जाता और बैल को ढूंढने लगता, बट वह उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि वह दोनों बैल काफी दूर निकल गए थे। अब बेचारे भूखे बैल अब भागते भागते आ रहे थे। अब उन्हें क्या मिलता, रास्ते में एक मटर का खेत मिलता। वह दोनों उस मटर के खेत में घुस जाते, वहां पर वो मटर खा रहे थे। उसी टाइम पर क्या होता कि एक सांड आ जाता वहां पर लड़ने के लिए। अब पहले तो वो दोनों डर जाती कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा सांड कैसे लड़ेंगे। फिर वह दोनों योजना बनाते हैं कि क्यों ना इससे मिलकर लड़ा जाए। अब कभी हीरा उसको यहाँ से मारता तो कभी उसको सींग चुभा देता, कभी मोती सींग चुभाता। अब दोनों ने उस सांड को अधमरा कर दिया और अधमरा करने के बाद दोनों ने वहां से चले गए। उन्होंने उस सांड पर एकता की दम पर विजय पाई। अब फिर से वह दोनों एक खेत के अंदर चले जाते, मटर के खेत में, उस खेत को छोड़कर दूसरे खेत में। वहां पर वह पकड़े जाते दुर्भाग्य से। उन दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता। वहां पर और सारे जानवर भी थे जो भूखे प्यासे मुर्दों की तरह बस पड़े हुए थे। अब दोनों ने क्या है कि मिलकर एक योजना बनाई और रात को दीवार तोड़ दी कांजी हाउस की। बाकी जानवर तो भाग गए पर जो हीरा था उसका जो रस्सी थी, बंधन था, वह खुल नहीं पाया, इसलिए वह भागने में असफल हो गए दोनों। अब हीरा नहीं भागा तो मोती भी नहीं भागा, फिर मोती भी वहीं रह गया। तो वह उनको खूब मरम्मत हुई, उनको खूब मार पिटाई हुई, मोती को भी बांध लिया गया। मोती बल्कि छूट गया था, वो चाहता तो भाग सकता था अकेले, लेकिन नहीं, हीरा नहीं भागा तो मोती भी नहीं भागा। अब उन्हें खाने को कुछ ना दिया गया। अब सीन ये होता है कि उन दोनों की नीलामी होती है।
सप्ताह भर में उनकी हड्डियां निकल आई थी, इतनी हट्टी कट्टी बैल थे वो, झुरी के पास रहती थी तब एकदम चौकस उनके, मतलब काम करने में दमदार, एकदम बेहतरीन बैल जैसे होती हैं मस्त बैल, बट वहां पर उनकी हड्डियां ही निकल आई थी सप्ताह भर के अंदर। नीलामी में उन्हें एक कसाई ने खरीद लिया, कसाई ने खरीद लिया, दोनों दुर्बल हो गए थे और कसाई के हाव भाव देखकर डर से कांप रहे थे वो। अब कसाई तो कसाई, उसके हाव भाव को देखकर चलते रास्ते में कुछ परिचित सा लगा, ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कहीं ही हम आए हैं कभी कभार। अब उन दोनों को रास्ता परिचित सा लगा, वे समझ गए कि यह उनका घर का रास्ता है, उनके घर की राह है। उन्होंने अपने आप को मुक्त किया उस कसाई के बंधन से और दौड़ कर झुरी के घर पर मतलब अपने थाने पर चल दिए, यानी अपने मालिक के घर पर वह दौड़ पड़े। बैलों को देखते ही झुरी ने उन्हें प्यार किया, अपने गले से लगा लिया बैलों को देखकर। तभी कसाई आया, दोनों में बहुत बहस हुई। मोती ने कसाई पर सींग चलाया तो वह भाग खड़ा हुआ। यानी अब क्या हुआ था यहाँ पर कि कसाई और झुरी के बीच में बहस हो रही थी। अब मोती तो गुस्सेल, तो गुस्सेल मोती ने चलाया अपना सींग और कसाई वहां से भाग गया। मोती ने पीछा किया और उसे गांव से बाहर कर दिया। अब हीरा और मोती वापसी अपनी झुरी के घर पर आ गए थे। अपने प्यार करने वाले मालिक को पाकर दोनों बहुत खुश थे। उन्हें झुरी ने खाली खली भूसा और दाना आदि खाने को दिया। गांव भर में उत्सव मनाया गया कि झुरी के दोनों बैल हीरा और मोती वापस आ गए। झुरी की पत्नी ने भी उनके माथे को चूम लिया। अब वो भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि हाँ हमारे ही बैल हैं और इतना भी बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका हम थोड़ी विशेषताएं देखते हैं इस चैप्टर के, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह भी इंपॉर्टेंट हैं उनको।